कुरुक्षेत्र में भी प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच के चलते ट्रकों के पहिए थम गए हैं। जीटी रोड पर जगह जगह ट्रक खड़े हुए हैं, 3-4 दिनों से सड़क पर रहने को मजबूर हैं। हमारे संवाददाता रणदीप रॉड ने ट्रक चालकों से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट, किसानों ने दिल्ली कूच का जो ऐलान किया है उसकी वजह से हरियाणा पंजाब सीमा को सील किया गया है ताकि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए, और उसका जो साइड इफेक्ट है कई चीजों पर देखने को मिल रहा है, खास तौर से ढाबों पर और ट्रांसपोर्ट पर। आप देख सकते हैं जो ट्रक जो हैं दूसरे प्रदेशों से पंजाब हिमाचल या हरियाणा जाना चाहते थे वो यहाँ पर थमे हुए हैं, उनका पहिया थम चुका है। और जिनके अंदर खास सामान, ये कहें जो जरूरी सामान है, जो माल ढुलाई का जो काम करते हैं ट्रांसपोर्टर, वो यहाँ पर खड़े हैं। एक ट्रक नहीं है, ट्रकों की पूरी कतार है। मैं एक बार अपने सहयोगी से बताऊंगा, ये सब ड्राइवर हैं और ये इनके जो ट्रक हैं वो सब कतार में खड़े हैं। कब से खड़े हैं? 10 तारीख से करीब यहां पर खड़े हैं, और उसकी वजह यही है क्योंकि बैरिकेटिंग की गई है, हाईवे को बंद किया गया है, इनके ट्राले और ट्रक बड़े हैं और डाइवर्ट की वजह से भी छोटे रूट से जा आ नहीं सकते, और इसकी वजह से ये खामियाजा भुगत रहे हैं। इंतजार में हैं कि कहीं जो हड़ताल है या ये कहीं किसानों का जो आंदोलन है वो खत्म हो और जो डाइवर्ट किए गए हैं रूट वो भी बंद हो। क्या कहेंगे, कब से यहाँ पर खड़े हैं, क्या लिख रहे हैं? 10 तारीख से खड़े हैं। जम्मू का लोड है, महिंद्रा का कार लोड है। अब हमारे पास पैसा भी खत्म हो गया, नेट भी प्रॉब्लम है, न्यूज कुछ देख नहीं सकते, कौन सा रोड चालू है कौन सा बंद है। क्या लेकर के आए हो आप? हम बिहार से लेके आए थे पुपना मखाना। हाँ। तो वही अपना 10 तारीख के यहाँ पे खड़े हैं। तो नेट वगैरह तो चलो नहीं चल रहे, वो चल रहे वो बात अलग है, पर परेशानी जो आ रही है वो तो बहुत ज्यादा आ रही है। क्या कहेंगे, क्या लेके आए हो, कौन सा ट्रक है? जी अपना पालिया का ट्रक है जी, आज 10 तारीख से खड़े हैं। एक बार तो हमने गाड़ी निकाला, आगे गए वहाँ रास्ते को बंद करिए थे, वहाँ से फिर हमारी गाड़ियों को घुमा दिए, फिर हम गए काफी दिक्कतों का सामना करके फिर लाके यहाँ पे खड़ी कर दी है। जी क्या लेकर के आए हैं? मारुति कार लेके आए हैं गुड़गावा से। गुड़गावा से? हाँ। तो कहाँ जाना था? लुधियाना जाना था जी। तो अब क्या खड़े बंद है? 3-4 दिन से खड़े हैं सर, क्या कर सकते हैं, जब रोड बंद है तो हम कहाँ जाएंगे? तो कोई गाड़ी लेकर के आया है, कोई खाने का सामान है, तो कोई जरूरी सामान है, इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट में जो सामान है दूसरे प्रदेशों से जो पंजाब हिमाचल जम्मू कश्मीर जाना था, वो हड़ताल की वजह से किसान आंदोलन की वजह से उसका खामियाजा भुगत रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रक जो एक तरह से ट्रांसपोर्टर है उसका पहिया थम गया है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।